चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा रही चल अकेला। ओए किसी बच्चे की आवाज आ रही है, देखता हूँ कौन छोड़ गया यहाँ पे। ओए जंगल में बच्चा रो रहा, कौन छोड़ गया यहाँ पे। अच्छी जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं है। ओवे यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं चमका जंगल में। अब क्या करूँ, मैं उठा लेता हूँ इस बच्ची को, रो रही है। पता ना कैसे कैसे आदमी है। भाईजान किसका बच्चा है ये जंगल में, कोई सुन रहा है भाईजान? इस बच्चे का मम्मी पापा वो है। दूर तक कोई नहीं, लगता है इसे कोई अपने ऊपर बोझ समझ के, बेटी समझ के इस जंगल में छोड़ गया। एक चिल्ली, अबे अबे सामने तो जानवर ही चमक रहे साले, ऐसा ना हो एक चिल्ली, अगर मैं इसे जंगल में छोड़ दूं तो कोई ना कोई जानवर इसे खा जाएगा। मैं इसे खुदा का तोहफा समझ के अपने घर ले चलता हूँ, रुखसाना को दूंगा, राजी हो जाएगी। रुखसाना रुखसाना तू किधर गई? रुखसाना रुखसाना। हाँ भाई शेख जी। ये क्या शेख जी? रुखसाना तू कहती थी ना खुदा में मेहरबान नहीं होता, देख खुदा ने मैं कितनी फूल सी बच्ची दी, अच्छी सी। शेख जी ये तुम किसकी बच्ची उठा लाए? इसके माँ बाप तो रो रो के पागल हो रहे होंगे, जाओ इसे वापस देकर आओ। रुखसाना ये वो जमाना है जिसमें ये लोग लड़कियों को बोझ समझ करके कूड़े के हवाले कर देते हैं। कितनी प्यारी बच्ची है, जाओ वापस करके आओ। रुखसाना इसे कहाँ छोड़ गया हूँ, अगर मैं इसे वहाँ छोड़ गया जानवर खा जाएंगे, मौत के घाट उतार देंगे। भाई तो मुझे जंगल में पड़ी मिली थी वहाँ। क्या जंगल में मिली? तो तुम्हें वहाँ आवाज लगानी चाहिए थी। रुखसाना ऐसी बात नहीं है, मैंने वहाँ आवाज लगाई थी मगर जब इसे कोई लेने वाला नहीं आया तो मैंने सोचा चलो इसे हम ही पाल लेंगे। बस बस शेख जी, जो तुमने सोचा बिल्कुल सही सोचा, आज से ये हमारी बेटी है। मगर रुखसाना इसका नाम क्या रखेंगे? शेख जी अब ये तो हमें पता नहीं, ये हिंदू है या मुसलमान है, कुछ पता हो जब ही तो इसका नाम रखें। अब तुम सोचो। रुखसाना अब ये हमारी बेटी है, इसे हम अपनी जान से ज्यादा चाहेंगे। तो मैंने कब मना करा इसे जान से ज्यादा ना चाहो? हम यहाँ जान से ज्यादा किसे चाहते हैं, बोल बोल। शेख जी मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी इंडिया को प्यार करती हूँ, जिसके लिए आन बान शान जान मैं सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। तो सुन, ये भी इंडिया है हमारी, आन बान शान जान, इसका नाम भी आज से इंडिया है। अरे वाह शेख जी आपने तो कमाल कर दिया। ऐसे कर ले इसे पकड़ और मुझे पैसे दे, इसके लिए दूध लाता हूँ मैं, दूध। ठीक है ये लो पैसे। ठीक है और रोना चाहिए, रोइयो मत ना इसे। अरे बेटा कोई है दुकान पे? लाला जी। हाँ जी। दूध दे दो दूध। बेटा एक थैली दूध चाहिए यार। दूध नहीं है। क्या इस टाइम गांव में दूध नहीं मिलता? इस टाइम दूध नहीं मिलता, कहाँ मिलेगा? शहर में मिलता है। शहर में मिलेगा? ओबे ओबे मेरी इंडिया तो भूखी है, अगर मेरी इंडिया को दूध नहीं मिला तो शहर में जाता हूँ, कोई बात नहीं भाग कर चलाऊंगा, इंडिया के लिए तो चला ही जाऊंगा मैं। दूध है? हाँ है। देना थैली? लो लो पैसे तो ले जाओ।
ओहो, इसे भूख भी लग रही है बहुत तेज। शेख जी भी नहीं आए अभी तक। देखती हूँ घर में कुछ रखा हो तो। जल्दी चलता हूँ, मेरी ने तो भूखी होएगी। शेख जी अभी तक दूध लेकर भी नहीं आए। मैं शेख से जंगल से लड़की ले आया कहीं है ठाला। अंदर क्या होगा यार, अपनी पैदा तो ना औरों की पाल लेगा ना। तो सुना है मैंने, वैसे बहुत प्यार करता कही है उसे वो। दोबारा से कैसे लग रहा है? मैं भाई जान बच्ची के लिए दूध लाया हूँ, मेरी इंडिया भूखी है। ओहो, इंडिया नाम जहर दे जैसे पैदा करी हो। क्या जरूरी नहीं है भाई जान, अपने यहाँ पैदा हो जब लड़की आ जाए। वैसे बच्चे और बच्चे तो ऊपर वाले का फल होता है। अबे तुझे फल मिला, फल तो लड़का होता है लड़का। बे भाई जान क्या लड़की लड़कों से कम होती है? ये तो है, समझ आया, लड़की लड़के से बराबर होते हैं। हाँ हाँ नहीं 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 मेरा बेटा, चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा। शेख जी भी नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। ओ चुप हो जा, नहीं रोना नहीं रोना नहीं, ओ चुप हो जा मेरा बेटा। ओ रोना नहीं है बाबू, रोना नहीं है। ओहो, इसे भूख भी लग रही है बहुत तेज। शेख जी भी नहीं आए अभी तक। ओ ओ ओ ओ रुक्साना। हाँ शेख जी, ले आए, इतनी देर से आयो, रोते रोते भूखे सो भी गई। वाह पगली रुक्साना, वाह गांव में दूध मिला ही नहीं था, मैं तो शहर में से लाया हूं भाग के। क्या शहर से, और वो भी इतनी जल्दी ले आए? मैं तो और भी जल्दी आ जाता, तो गांव में लोगों ने मेरा टाइम खराब कर दिया। ऐसे कर रुक्साना, मुझे रोटी दे, मुझे भूख लग रही है, इसे दूध पिला दे। रोटी खुद लेके खा लो, और सुनो अब अपना काम खुद क्या करो, मैं इसे दूध पिला लूं। हैं, इंडिया की आती शेख चिल्ली बेकार। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तू इसे दूध पिला, मैं रोटी खा लूंगा अपना। ठीक है। मेरी इंडिया। आजा आजा मेरा बेटा, मेरा बाबू। ओ शेख जी क्या है, दूध लिया है? हाँ इंडिया के लिए दूध ले आओ। ला रहा हूँ, हमारा बेटा दूध पिएगा। शेख जी उठो, शेख जी अभी तक तुम्हारी नींद पूरी ना हुई, इंडिया भी तैयार हो गई, रिजल्ट वैसे मिलने वाला है इंडिया का। बस ठीक है ठीक है, बस थोड़ी सी नींद आ गई थी, अब तो ये बता मुंह धोऊं या ना धोऊं? अब मुंह धो लो वरना सर्दी कहेंगे कि आपके अब मुंह नहीं धोते हैं। तुझे कोई कहने वाला नहीं है बेटा, मगर तेरा बाप मुंह धोने वाला नहीं है। ठीक है जा रहा हूँ स्कूल। और सुनो लौटते वक्त सब्जी लिया ना। हाँ ले आऊंगा, चल इंडिया बेटा जाओ। बेटा मन लगा के पढ़क रहे हैं, और रिजल्ट लेके सीधे घर आ जाइए, मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ। अंकल जी हमें खाना खिला दो। चलो
अंकल जी हमें खाना खिला दो। चलो रोटी रोटी नहीं है, अपने घर जा खाओ। अंकल जी हमें भूख लग गई है, कुछ खिला दो। ये कोई मेरे बाप का होटल है, मेरे पास पैसे नहीं। चलो अंकल जी खिला दो। अंकल जी हमें खाना खिला दो। खाना खाओगे बेटा? अंकल जी हमने दो दिन से कुछ नहीं खाया। चलो ऐसे करो तुम 10 रुपए ले लो। अंकल जी 10 रुपए में खाना नहीं आता। 10 रुपए में खाना नहीं देते, इसका मतलब भूखे होंगे। दो दिन से तुमने कुछ नहीं खाया? हाँ अंकल जी कुछ नहीं खाया। ठीक है तुम यहीं बैठो, मैं भी आ रहा हूँ। लाला जी। हाँ जी। दो बिस्कुट का पैकेट दे देना। लो जी दो दे दो, ठंडा छोटे वाले दे दो। ये लो। कितने पैसे हो गए? 30 रुपए। ये लो। ले बेटा ले, पीले 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 पीले। अंकल जी हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। बेटा तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है? अंकल जी हमारे मम्मी पापा नहीं है। तुम कहाँ रहते हो बेटा? अंकल जी हम यहीं पर सो जाते हैं। ओए, इनका मम्मी पापा भी नहीं है, सोने का ठिकाने भी नहीं है, ये तो अनाथ है। अब क्या करूँ? एक चिल्ली जहाँ मेरी इंडिया रहती है वहाँ ये बच्चे रह लेंगे। अल्लाह ताला इनके नसीब देगा, इन्हें भी घर ले चलता हूँ, इन्हें भी पाल लूंगा। कितनी प्यारी बच्ची है। चलो घर चलो। ठीक है चलो बेटा, चलो मेरे साथ चलो। आ जाओ बेटे, आ जाओ बेटे। रे बैठो बैठो बढ़िया बैठो बेटा। हाँ अभी आई। हाँ शेख जी आप तो सब्जी लेने गए थे, और ये बच्चिया किसकी हैं? कहाँ से लिया इन्हें? रुखसाना ये दोनों किस्मत की मारी है बेचारी, सड़क पर धूल फांक रही थी, भूखी प्यासी थी। जो तूने मुझे पैसे दिए ना सब्जी को, मैंने दोनों को खाना खिला दिया रुखसाना। अरे वाह ये तो आपने अच्छा किया। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम लाज है। और तुम्हारा? मेरा नाम चांदनी। बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कौन हैं और तुम कहाँ रहते हो? रुखसाना इनके मम्मी पापा ने इन्हें जन्म देते ही रोड पर छोड़ दिया भीख मांगने के लिए। बेटी है ना, अब तो इनसे और मत पूछ कुछ भी, मैंने सब कुछ पूछ लिया। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। अब्बू अम्मी देखो मेरा रिजल्ट आया है। मेरा बाप, मेरी बेटी आ गया। रिजल्ट मिल गया? ओए मेरा इंडिया बेटा, कैसा है तेरा रिजल्ट? बोलो 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 बोलो। अब्बू देखो मेरे सबसे ज्यादा नंबर आया है। दिखा बेटा मुझे दिखा। देखो जी मेरी बेटी ने पूरा स्कूल पीछे छोड़ दिया, पूरे स्कूल में नंबर 1 आई है। अरे वाह मेरी बेटी, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया, मेरा नाम कर दिया। वाह मेरे बेटे। अम्मी ये कौन है? अच्छा बेटा ये लाज है और ये चांदनी है। कल से इन्हें भी अपने साथ रखना बेटा, तेरे साथ स्कूल जाया करेंगे। ठीक है। ये तुमने ठीक करा शेख जी, अब हमारी इंडिया का भी मन लग जाया करेगा, इनका एडमिशन भी स्कूल में करवा देंगे। अब ठीक है ना बेटा? ठीक है अब्बू। चलो गले मिलो बेटे। ये हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटे। ये ले लाओ। मास्टर ठाकुर साहब राम राम।
ठाकुर साहब आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। आओ बैठो तो सही। मास्टर, तूने मेरे बच्चों को कम नंबर देकर अच्छा नहीं किया। मेरे बच्चे खून के आंसू रोए हैं मेरी आंखों के सामने। ठाकुर साहब, मैंने आपके बच्चे को कम नंबर नहीं दिए। ये तो उस लड़की की मेहनत थी जिस वजह से उसे नंबर ज्यादा देने पड़े। मास्टर, अगर कल वो रिजल्ट मेरे बच्चों के नाम ना हुआ तो मैं तुझे जिंदा काट दूंगा। ठाकुर साहब, अब तो शेख चिल्ली की लड़की रिजल्ट ले भी गई। कुछ भी हो, वो रिजल्ट वापस मंगा, वरना वो रिजल्ट तेरी लाश पे रखकर तुझमें आग लगा दूंगा। ठाकुर साहब, मैं शेख चिल्ली को कैसे समझाऊंगा? कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। शेख चिल्ली का पूरा गांव मेरे पास गिरवी रखा है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है उस गांव में जो हमारे सामने सर उठा के बात कर सके। ठीक है जी, ठीक है। और सुन, अगर वो माने तो भला और ना माने तो उसे लेकर हमारी हवेली पर आना। ठीक है ठाकुर साहब, अगर वो आएगा तो उसे जरूर लेकर आऊंगा। क्या? वो आएगा, जरूर आएगा। अगर नहीं आया तो पूरे गांव में आग लगा दूंगा मैं। अरे ठाकुर साहब कहाँ हैं? आ रहे हैं ठाकुर साहब, खड़े रहो। ठाकुर साहब नमस्कार। ठाकुर साहब नमस्कार। शेख चिल्ली, ये मत भूल कि इस गांव में ना आज तक हमारा सर झुका है ना हम झुकने देंगे। ठाकुर साहब, आप साफ साफ बोलो, आपका सर कौन झुका रहा है? बोलना क्या, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी से कम रहें। तेरी इंडिया का जो रिजल्ट है, शेख चिल्ली वो मास्टर को वापस कर दे। भवानी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरी बच्ची की मेहनत है। मेहनत तो तेरे पूरा गांव करता है, पर आज तक तेरे गांव वाला कोई हमारा कर्जा नहीं उतार पाया। अरे छोटे ठाकुर साहब, मैं रिजल्ट दूसरा बना दूंगा। नहीं मास्टर जी, ये मेरी बच्ची की मेहनत है और मैं अपनी बच्ची की मेहनत किसी और के नाम नहीं होने दूंगा। ये मत भूल शेख चिल्ली, जिस टूटे फूटे घर में तू रहता है ना, वो घर तेरे बाप ने हमारे पास गिरवी रखा हुआ है। अगर मैं चाहूं तुझे अभी उस घर से निकाल के गांव से बाहर कर सकता हूं। ठाकुर साहब, मेरा कहने का मतलब यह है, वो मेरी बच्ची की मेहनत है, उसका दिल टूट जाएगा। मेरी बेटी, मेरी बेटी, तूने कौन से उसको जन्म दिया? पता नहीं कहां से उठा लाया पराए कूड़े को। ठाकुर साहब, वो मेरी बेटी है और जिसे तुम पराए घर का कूड़ा बता रहे हो ना, वो कूड़ा नहीं है, वो लाज है मेरे घर की, मेरे गांव की और मेरे देश की। बोल तो ऐसा रहा है जिन्हें कितना बड़ा नाम है। ठाकुर, बेटियां कभी कमजोर नहीं होती हैं, उन्हें तो तुम जैसी सोच के लोग कमजोर मानते हैं। मास्टर, इसे ले जाए यहां से वरना कुछ हो जाएगा। चलो शेख जी, चलो।
सुनो भाई, आया ना नाक रगड़ने हमारी तेली पर। पानी पी लेता हूँ। नल भी खराब कर रखा, गांव वाला नल भी खराब कर दिया है? सरकार का पैसा फ्री समझ रहे, मजे ले रहे, पानी नहीं मिल रहा। से खिलाता हूँ बारी बारी। ये लो, ये लो, ये तुम लो। अब्बू अम्मी कब आएंगी? आ जाएगी अम्मी भी बेटा। अब्बू अम्मी खाओ। मुझे खिला रहे हैं। अब्बू आप भी खाओ। अरे मुझे खिला रहे हो? अब्बू मेरे हाथ से भी खाओ। खोल खोल कहाँ छुप रहे हो? इधर देखो, इधर हम नहीं खेलेंगे। आजा 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 मेरे बेटो, आजा आजा मेरे बाबू, मेरे बाबू।
मेरा रास्ता क्यों रोका? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम तूने और तेरी दोनों बहनों ने हमें बहुत मारा था ना उस दिन। उस दिन का बदला लेना है हम तुझसे। तो तुम उस दिन की मार नहीं भूले हो? आज कौन बचाओगे तुम्हें हमसे? अच्छा तो तुम मुझसे लड़ने आए हो? चलो ठीक है, चलो इस बात पे हाथ मिलाते हैं। अच्छा कमीने, तुम ऐसे नहीं मानोगे। भाग गए ना कमीने, भाग गए। इंडिया से पंगा लेने चले थे इंडिया से। मेरा नाम ऐसे ही ना है इंडिया। शेख चिल्ली बाहर निकल, आज देखता हूँ तेरी कौन सी बेटी है जिसने भवानी के बच्चों पे हाथ उठाने की जुर्रत पैदा की है। भवानी जी मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। शेख चिल्ली आज मैं तुम्हारी का मुंह कुचल कर आऊंगा, वरना मेरा जीना बेकार है। बुलाओ साहब अपनी इंडिया को, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठाकुर साहब वो बच्ची है, उसे कुछ मत कहना। मैं खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा, तोड़ डालो उसको, जाओ। अपनी बेटी की भी मांगता हूँ। मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्या नाम बताया उनका? इंडिया। एक बात कान खोल कर सुन ले शेख चिल्ली, इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता। घर में खाने को नहीं और नाम रख दिया इंडिया। इंडिया का नाम रोशन लड़के करते हैं, लड़कियां नहीं। और पढ़ लिख के कौन सी वो मास्टरनी बन जाएंगी, इंडिया के लिए वो वर्ल्ड कप ले आएंगी। पढ़ लिख के उन्हें हमारे घर में झाड़ू पोछे तो करना है। चलो रे। अब कहाँ जा रहे हो? बच्चों के कपड़े भी आने। अबे, अबे, ये तो बहुत बड़ा शोरूम है, साले महंगे देगा कपड़े दे। अबे, है? पूछता हूँ इससे, मेरे बच्चों बिरंगे जब भी तो पूछूँगा, हैं? ठीक है। अबे इसे बता, साड़ी सूट है। अबे हाँ जी लाला जी, इस पे क्या लिख रहा है ये? इंडिया लिख रहा है। इंडिया? उबे, मेरी बेटी का नाम इंडिया। लाला जी कितने की है ये? ये 500 रुपए की है जी। 500 रुपए की? हाँ। इतनी महंगी? मेरे पास 500 रुपए है नहीं। ओबे क्या करूं, ये तो मेरी बेटी के नाम की है, कैसे करूं? देखता हूँ कुछ। भाई साहब यहाँ क्या बट रहा है? यहाँ पे सिक्सिक खून डोनेट होता है। खून बिक भी जावे? हाँ बिक भी जाता है। ये सही रहेगा, दो चार तरफ का खून बेच दूंगा, बच्चों कपड़े तो चले ही जाएंगे। अब तो देगा ही बेटा, अब तो बोली आया खून बेच के पैसे, मुझे क्या, बच्चों के लिए तो मैं अब खुद भी बिक सकता हूँ। लारा जी ये ड्रेस दे दो मुझे, पैसे ले लो।
ये उतार के दे दो। सेठ जी क्या हाल है? बस बढ़िया। अपना खून बेच का है, कितना प्यार करता है अपनी बच्ची से। कहाँ गई? हाँ शेख जी, शेख जी कहाँ चले गए थे? आपको पता है बच्चियों ने खाना भी नहीं खाया आपके मारे, और भवानी से डर रही है। मैं तो बच्चों के लिए कपड़े लेने गया था। ये देख, देख कितनी अच्छी है, ये देख। अरे वाह, ये टी शर्ट मेरी बेटी इंडिया के नाम की। ले बेटा। वाओ कितनी अच्छी है। तुझे पता मैं इंडिया के नाम की टी शर्ट कैसे लाया हूँ? मैं चाहता हूँ मेरी बेटी मेरा, मेरे देश का रोशन करे। मगर और पढ़ लिख के कौन सी वो मास्टरनी बन जाएंगी इंडिया के लिए का, वो वर्ल्ड कप ले आएंगी। पढ़ लिख के उन्हें हमारे घर में झाड़ू पोछे तो करना है। अब्बू आप रो मत, हम आपका नाम रोशन जरूर करेंगे। इंडिया मैं तुझे देख लूंगा। भाग गए कमीने। इंडिया तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने जो ठाकुरों के बच्चों को मारा है। अब जाओ, चली जाओ, घर जाओ। क्या हुआ, क्यों वापस आ गई? आज स्कूल नहीं खुला क्या? बोलो बोलो, चुप क्यों? ये क्या बताएंगी, मुझे मास्टर ने सब कुछ बता दिया। बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ अंदर छुप जाओ जाकर। चलो हुआ क्या है शेख जी, चलो। देखो गांव वालों, तुम्हारा पूरा गांव मेरे खानदान के रहमो करम पे जी रहा है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें तुम्हारे घरों से और तुम्हारी जमीनों से बेदखल करके तुम्हें भिखारी बना सकता हूं। क्या हुआ ठाकुर जी, क्या तुम में से गांव का कोई नहीं बोलेगा? तू बोलेगी और तेरा शेख चिल्ली बोलेगा। आज हमारे बच्चों को पिटवाया, कल हम पे हाथ उठवाना? तो तू हमारे लड़कों पे हाथ उठवाएगी? तो क्या अपनी बेटियों को पिटवा लेता जब तुम्हारा सवर आता? और सुन लो गांव वालों, एक दिन तो पहल करनी पड़ेगी, वरना ये जिल्लत की जिंदगी हमेशा सताती रहेगी। तो तुम जैसे लोगों ने करा रखे है ना, तुम लड़की लाते हो ना ये झगड़ा होता। अरे ये कोई तेरी सगी बेटी है, कहाँ से लाया? जब से ये गांव में आई है जब से ये लाड़ पैदा हो रही है। इस लड़की को कहाँ से लाए, इसे भगा के ले देते। शर्म करो शर्म, मैं गरीब होकर पिट कर भी बोलने की हिम्मत रखता हूँ। अरे मेरी बेटी है, देश का गौरव है गौरव, और तुम कहते हो इसे भगा दो। इसे भगा दूं? क्या बेटों से कम होती है बेटियाँ? कम नहीं तो क्या लड़कों की बराबरी करेंगी? हाँ करेंगी। बोलो क्या करना, खेल कूद पढ़ाई लिखाई, बोलो बोलो किस काम में करना? सुनो गांव वालों, मैं इसकी बेटी के साथ अपने लड़कों का क्रिकेट मैच रखना चाहता हूँ। अगर इसकी बेटी इंडिया जीत गई तो तुम्हारे पूरे गांव का कर्जा माफ, और अगर हारी तो फिर इन्हें मैं गांव खाली करने को नहीं कहूंगा, ये खुद खाली करके चले जाएंगे। बोलो बोलो, हो गई बोलती बंद। मैं जानता था कि तुम में से कोई भी मेरे सामने सर उठाने के काबिल नहीं है,
ठाकुर साहब इन्होंने सबने सर झुका लिए, लेकिन मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। शेख जी ये क्या कह रहे हो, आपने पूरे गांव वालों से पूछ लिया? हाँ हाँ पूछ लिया रुखसाना, मैंने पूछ लिया। हम गांव वालों के लिए जिएंगे और गांव वालों के लिए मरेंगे। ठीक है, आज से एक महीने बाद तुम्हारे गांव का और हमारे गांव का मैच होगा। ठीक है चलो रे। सुना गांव वालों, मैंने कुछ बुरा तो नहीं करा? रन यस, कम ऑन कम ऑन, कम फास्ट। चार सौ, चार सौ एक, चार सौ दो, चार सौ तीन, चार सौ चार, चार सौ पाँच, चार सौ छः। देखो देखो इंडिया इधर देखो, चलो चलो बोल डालो। ठीक है? ठीक है सर। आओ इंडिया तुम आओ, और ये बैट पकड़ो, और दोनों पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। ठीक है। बॉल पर नजर, लो तुम बॉलिंग कराओ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, लाओ मुझे दिखाओ, लाओ बैट उठाओ। सॉरी सर। और ये लो मुझे देखो, ऐसे। ठीक है? ठीक है सर। ये लो, हाँ हाँ पीछे पीछे हो जाओ थोड़ा सा पीछे, हाँ हाँ ये बल, हाँ बिल्कुल ठीक, बो बिल्कुल यस यस। ऑफ की बॉल आएगी, ऑफ में मारना है बैट, एक बार इधर दिखाओ, और ये पैर बिल्कुल इस तरह रखने हैं। ठीक है, बोल कराओ, ये ऐसे। ठीक है, लो तुम खेलो अब। यस यस, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। कैच, शाबाश शाबाश शाबाश, लाओ वापस करो, लाओ। यस 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 यस, लो, वेरी गुड वेरी गुड, यस यस यस, वेल डन वेल डन। चांदनी लो तुम पकड़ो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लाज लो तुम पकड़ो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये गिर गई थी, कोई नहीं, होता है होता है होता है। आज प्रैक्टिस बढ़िया करी ना मैंने? हाँ, बिल्कुल तैयार है तूने आज। हाँ, प्रैक्टिस चल ठीक है, चल ठीक है, हम भी चलेंगे। तू ऐसा खेलता रहेगा ना तो हम बाजी जरूर मारेंगे। बेटा ठाकुर के बच्चे आ रहे हैं, इनसे कुछ बोलने जरूरत नहीं ज्यादा, ठीक है ना बेटा? चल भाई जल्दी चल, हमें भूख भी लग रही है। मुल्ला जी कहाँ से आ रहे हो? हाँ हाँ हेलो, जाओ भाई जाओ, तुम अपने घर को जाओ। तेज की तैयारी करा रहे हो? हाँ हाँ बता दो। जाओ ना जाओ, तुम अपने घर जाओ। मुल्ला जी क्रिकेट गेम की तैयारी करवा रहे हो इन्हें, हम भी कर रहे हैं तैयारी। अगर हम नहीं जीते तो हमारा बाप हमें जिताएगा। तेरे बाप की ऐसी की तैसी, क्या कह रही है तू? देख ले, हम पढ़े नहीं तब भी रिजल्ट हमारा हुआ,
और जब पिटे थे तुम? वो याद नहीं है। सही कह रही हो बाजी, उसी का बदला लेंगे हम। तुम्हें सबक सिखा के रहेंगे। जाओ बेटा, जाओ अपने घर को जाओ। देख लूंगा तुम्हें, देख लूंगा सारों को। ये भवानी सिंह की बिगड़ी औलाद है। अबू, इनका भवानीपन मैंने ना निकाला ना, मेरा नाम भी इंडिया नहीं है। अबू, गांव की लड़कियां मैंने बड़ी मुश्किल से तैयार करी हैं। बेटा, और तुम्हारे साथ के बच्चे कहाँ हैं? चांदनी ले गई। ठीक है ना बेटा, बढ़िया खेलियो, गांव की इज्जत की बात है। हाँ ठीक है, लगा के खेलियो, मान सम्मान की लड़ाई है। ठीक है ठीक है, ढंग से खेलियो जो तुम्हारे कोच ने सिखाया। बेटा ठीक है अबू, आप टेंशन ना लो, हमें जीत के आएंगे आज। और ये दोनों टीमों का मैच, दोनों एम्पायर पिच की जांच करने के लिए जाते हुए, और ये दोनों एम्पायर ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं, और दोनों एम्पायर पिच की जांच कर रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, पिच की जांच पूरी हो चुकी है और दोनों एम्पायरों ने संकेत दिया पिच को सही होने का। अब दोनों टीमों के कप्तान ग्राउंड के अंदर जाते हुए टॉस की तैयारी। अब दोनों टीमों के कप्तान ग्राउंड के अंदर पहुंच चुके हैं और अब टॉस, जैसा कि हमें इंतजार है, जैसा ही टॉस का इशारा मिला, टॉस होने वाला है। उधर हमारे बीच शेख चिल्ली जी आए हुए हैं जो बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। हाँ, आज हमारे गांव की मान और सम्मान की लड़ाई है, देश की बेटियों की सम्मान की लड़ाई है। आप आशीर्वाद दो, ये आज गाँव की बेटी उनका मुंह बंद करेंगे जो बेटियों को कुछ नहीं समझते, बेटियों को छोटा समझते हैं, बेटियों को बोझ समझते हैं। बेटियों के बिना संसार में कुछ नहीं है, ये आज साबित हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा शेख जी, हमें लगता है कि पूरे गांव की दुआएं आपके साथ हैं, आप ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। और ये टॉस जीता है ठाकुर की टीम ने। थैंक यू सर, बैट फर्स्ट। और बैटिंग चुनी है ठाकुर की टीम ने, और ये कुछ क्षणों में आपके बीच मैच शुरू होने जा रहा है। और ये उत्साह के साथ इंडिया ग्राउंड से बाहर जाती हुई दिख रहा है कि इंडिया के अंदर जोश लबालब भरा हुआ है, और देखते हैं कि इस टीम में किसकी जीत और किसकी हार होती है। उधर बैटिंग के लिए लड़कों की टीम, जो ठाकुर की तरफ से टीम है, वो तैयार हो रही है, और बैटिंग पे देखते हैं कि कौन कौन आने वाले हैं। अभी उधर से इंडिया की टीम ग्राउंड में जाते हुए, कप्तान आगे आगे और पीछे सारी टीम, बहुत ही अच्छे जोश में नजर आ रही है टीम। देखते हैं कि ग्राउंड में अब क्या गुल खिलाती है टीम, देखते हैं। और ये इंडिया ने इशारा किया अपनी टीम को इकट्ठा करने का और उनको कुछ दिशा निर्देश समझाते हुए, और अब फील्डिंग के लिए तैयार। इंडिया ने सबको अपना अपना मोर्चा समझा दिया है, सारे खिलाड़ी अपने अपने मोर्चे पर। और उधर से ठाकुर के बड़े बेटे आकाश और दूसरे बैट्समैन मन्नू दोनों ग्राउंड में पहुंचने वाले हैं, और अब देखते हैं कि इंडिया की टीम इन खिलाड़ियों को किस तरह आउट करती है। और ये दोनों खिलाड़ी पिच की तरफ जाते हुए पूरे जोश और खरोश के साथ, और उधर शेख चिल्ली की टीम कप्तान इंडिया अपने फील्डिंग जमाते हुए, और पहली बॉल दी रेखा को, और पहला ओवर जो करेगी वो करेगी रेखा। अब देखते हैं कि रेखा किस तरह का बॉलिंग करती है, किस तरह इन खिलाड़ियों को अपने जाल में फांसती है, देखते हैं किस किस को आउट करती है। और ये बैठे हुई शेख चिल्ली की टीम के लोग उधर बैटिंग के लिए दोनों खिलाड़ी जाते हुए, और देखते हैं पहली बॉल पर क्या होता है। सबकी निगाहें जमी हुई, सबकी सांसें रुकी, और ये पहली बॉल डालते हुए देखते हैं बॉल, और ये पहली बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर जाती है। और पहले ही ओवर में शेख चिल्ली के समर्थक निराश होते हुए, और पहले ही ओवर में 18 रन बनते हुए, और ये फिर दूसरे ओवर की पहली बॉल फिर बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए, और ये बाउंड्री लाइन 4 रन के लिए, 4 रन। और फेल होते हुए शेख चिल्ली की टीम के खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी
बॉल को रोकने में नाकाम और ये तीसरी बॉल फिर बाउंड्री लाइन के लिए पार जाती हुई चार रन के लिए, चार रन। और ठाकुर के समर्थकों में वेरी गुड उधर से तालियां बजती हुई और ये उस ओवर की लास्ट बॉल शिवानी कराते हुए बैट से टच ही कर पाया खिलाड़ी और अगला ओवर चांदनी कराते हुए और ये उस ओवर की पहली बॉल और ये बॉल फिर बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई चार रन के लिए। चौकों की बौछार हो चुकी है, ठाकुर की टीम बहुत आगे चल रही है, देखते हैं ये कितने रनों का अंबार खड़ा करती है। तीन ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और टीम की कप्तान इंडिया ने खुद फैसला लिया है बॉलिंग कराने का, देखते हैं इंडिया को कोई सफलता मिलती है या नहीं। बॉल हाथ में लेकर इंडिया खुद बॉलिंग करने आई है, देखते हैं इंडिया क्या गुल खिलाती है और वो किस किस को आउट करती है। उधर शेख चिल्ली की टीम में उदासी और ठाकुर की टीम में हर्षोल्लास और ये पहली बॉल ही कैच और पहली कामयाबी मिलने के बाद शेख चिल्ली की टीम में एक हर्षोल्लास का माहौल। उधर ठाकुर की टीम के हौसले परस्त होते हुए पहले ही विकेट में ठाकुर की टीम के जोश परस्त और उधर से ठाकुर अपने बेटों को समझाते हुए देखिए हम देख रहे हैं कि वो किस तरह का इशारा कर रहे हैं। उधर से दूसरी बॉल और ये कोई रन नहीं, बॉल को बड़े ही धीमी गति से रोका गया और ये बॉलिंग बहुत ही सोच समझकर बॉलिंग की जा रही है और ये एक रन दौड़कर पूरा किया, बड़ी मुश्किल से एक रन मिल पाया। उधर ठाकुर की टीम के कप्तान हर्ष बड़े ही सोच समझकर खेल रहे हैं क्योंकि सामने इंडिया जो टीम की कप्तान है वो बॉलिंग कर रही है और बहुत ही सोच समझ के साथ बॉलिंग और ये बॉल कैच के लिए जाती हुई, कैच हाथों से निकलता हुआ। इंडिया की टीम में एक मायूसी सी क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैच था, अगर ये कैच पकड़ लिया गया तो टीम को हरा सकती है इंडिया। और उधर शेख चिल्ली की टीम में फिर एक बार उदासी, उधर ठाकुर की टीम में फिर एक बार जोश भरता हुआ दिखाई दे रहा है। पांच ओवर में 52 रन एक विकेट और ये बॉल एक और कामयाबी मिलती हुई। ठाकुर की टीम के दो खिलाड़ी ध्वस्त हो चुके हैं और चांदनी को पहला विकेट मिलते हुए और ये अब आ चुके हैं ठाकुर की टीम के तीसरे खिलाड़ी बैटिंग के लिए और चांदनी फिर बॉलिंग के लिए तैयार और ये बॉलिंग और ये बॉल बाउंड्री लाइन के पार जाती हुई चार रन के लिए। उधर ठाकुर शाबाशी दे रहे हैं अपने बेटों के लिए और बड़े ही जोश से खेल रहे हैं ठाकुर के बेटे कप्तान हर्ष। उधर से शेख चिल्ली की बेटी इंडिया बहुत ही जोर शोर से बॉलिंग चारों तरफ अपनी फील्डिंग को जमाते हुए और ये तीसरी बॉल फिर डालते हुए चांदनी अपने ओवर की और ये फिर जा रही है सीमा रेखा के पार छह रन के लिए। ये देखिए फिर चौथी बॉल डालते हुए फिर ये जा रही है सीमा रेखा से पार चार रन के लिए और ठाकुर की टीम की तरफ से रनों की बौछार, छक्के चौकों की बरसात और क्या बात है। टीम का उत्साह बढ़ाते हुए उधर शेख चिल्ली की टीम में निराशा और 10 ओवर में 115 रन दो विकेट और ठाकुर की टीम बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती हुई क्योंकि बड़े स्कोर का पीछा इंडिया कर पाएगी या नहीं कर पाएगी वो देखना अभी आगे बैटिंग में बाकी। और हम देख रहे हैं जैसा कि इंडिया की टीम में भी जोश पूरी तरह नज़र आ रहा है और ठाकुर के तरफ से भी जितने भी खिलाड़ी हैं सब जोश में लबालब भरे हुए हैं और जो भी आते हैं और रनों की बरसात कर रहे हैं छक्के और चौकों के। ये बॉल छह जाएगी, छह छह और से लोग इशारा करते हुए छह रन का, देखते हैं इस बॉल पर क्या होता है और ये एम्पायर की तरफ से छह रन का इशारा करते हुए फिर से चांदनी बॉलिंग पर, देखते हैं अब बॉल को रोक लिया गया है। उधर से खिलाड़ी एक रन के लिए जद्दोजहद करते हुए एक रन बड़ी मुश्किल से और उधर इंडिया अपने बॉलर चांदनी को कुछ गुण सिखाते हुए कुछ दिशा निर्देश देते हुए देखते हैं अगली बॉल क्या कर पाती है और ये बाउंड्री लाइन के पार छह रन के लिए और ये छह रन। एक खुशी का माहौल ठाकुर की टीम में और जो ठाकुर की टीम के कप्तान है हर्ष उन्होंने बारिश लगा दी है और अब देखते हैं कि आगे ये खिलाड़ी क्या कर पाता है, कितने रनों तक ये ले जाता है टीम को।
और ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं ये, और ये फिर बाउंड्री लाइन के पार जाते हैं चार रन के लिए, क्योंकि खिलाड़ियों के हाथ से बॉल छुटी और सीधी क्या बात है। और ठाकुर की टीम में, ठाकुर की टीम के समर्थक उत्साह में लबालब, तालियों से गड़गड़ाहट, और ये खिलाड़ी लास्ट तक भी बॉल के मूवमेंट को नहीं समझ पाया। और शेखचिल्ली की टीम जो विकेट कीपर है लाज, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए और बॉल को उसने मारना चाहा विकेट में लेकिन नहीं लग पाई। उधर से शेखचिल्ली कुछ इशारा करते हुए अपनी टीम के लिए, और ये बॉल सीधी इंडिया के हाथों में, और ये तीसरा झटका ठाकुर की टीम के लिए। कप्तान को बहुत ही महत्वपूर्ण कैच ठाकुर की टीम के कप्तान को, और ये दूसरा विकेट मिलते हुए दूसरी कामयाबी। ठाकुर की टीम के हौसले परस्त होते हुए शेख चिल्ली की टीम में एक उत्साह का माहौल, और चांदनी जैसा कि हम देख चुके हैं दोनों बॉलों पे लगातार विकेट, और तीसरे में देखते हैं कि ये, और ये तीसरा विकेट, हैट्रिक चांदनी के नाम, इंडिया की टीम में खुशी का माहौल और खिलाड़ी की आंखों से चकमा। खिलाड़ी लास्ट तक भी नहीं चमक पाया कि बॉल कहां जाएगी, क्या होना है। और उधर इंडिया के अंदर जो खेलने कौन जाएगा, अब ठाकुर की टीम में उदासी का माहौल, अब देखते हैं क्योंकि जो महत्वपूर्ण विकेट थे वो आउट हो चुके हैं। और चांदनी की हैट्रिक गुल खिलाती है, ये हैट्रिक ही मुझे लगता है कि लास्ट में जीत की तरफ अग्रसर करेगी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विकेट चांदनी ने लिए हैं और इंडिया ने नए खिलाड़ी को बॉल दी। अब देखते हैं नया खिलाड़ी, उधर से पहली ही बॉल पे बाउंड्री लाइन के पार बॉल चार रन के लिए, और ये चार रन, दूसरी बॉल कराते हुए खिलाड़ी के सामने, इस खिलाड़ी ने फिर ये बाउंड्री लाइन के पार छः रन के लिए। और उधर हर्ष जो इस टीम के कप्तान हैं 62 रन पे खेल रहे हैं, और ये बॉल को टच किया और ये फिर सीमा रेखा के पार, और ये फिर बाउंड्री लाइन के पार 6 रन के लिए। ठाकुर की टीम में जोश, लोग तालियां बजाते हुए, उधर से शेखचिल्ली की टीम में फिर एक मायूसी का माहौल। इंडिया सोच विचार में कि कैसे रनों की, बॉल बाउंड्री लाइन के पार, चौको छक्कों की फिर बरसात, और अब बॉलिंग इंडिया के हाथ में। उधर दीपक बैटिंग के लिए तैयार, और ये पहली बॉल जैसे कि चकमा देते हुए सीधी विकेट कीपर के हाथों में। अब देखते हैं दूसरी बॉल, इंडिया फिर दूसरी बॉल कराते हुए, और ये कैच, दूसरी बॉल में बहुत ही महत्वपूर्ण कामयाबी मिलते हुए इंडिया की दूसरी बॉल पर चांदनी ने लिया कैच, और ये अब नया खिलाड़ी 20 ओवर के मैच में लास्ट बॉल के खेलने के लिए खिलाड़ी तैयार। उधर से इंडिया ने की बॉलिंग, और ये इस बॉल पर छक्का लगते हुए कुल रनों का स्कोर हुआ 201 रन, और 20 ओवर का खेल समाप्त, जिसमें 7 विकेट लिए इंडिया की टीम ने। अब देखते हैं इंडिया की टीम जोश उल्लास के साथ किस तरह ग्राउंड में उतरती है, और इन 201 रनों का किस तरह डटकर मुकाबला करती है, और देखते हैं कितने ओवर में 201 रन बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। अगर ये टीम 201 रन नहीं बना पाती है तो शेखचिल्ली को गांव से बाहर जाना पड़ेगा। ये बड़े ही मान और सम्मान की लड़ाई है, क्योंकि इसमें बेटियों का भी मान और सम्मान लगा हुआ है। अब देखते हैं या बेटियों का मान सम्मान बचता है या नहीं बचता है। अब ठाकुर की टीम ग्राउंड में फील्डिंग के लिए जाते हुए, अब देखते हैं कि बैटिंग करने के लिए इंडिया की तरफ से पहले खिलाड़ी कौन कौन आते हैं। अब वो कुछ ही देर में फिर मैच आपके बीच चालू होगा। और उधर ठाकुर की टीम के कप्तान हर्ष अपने खिलाड़ियों को दिशा निर्देश देते हुए और फील्डिंग को चारों तरफ लगाते हुए, और अब देखते हैं कि ये कितने रनों को रोक पाते हैं। इंडिया की टीम के दो खिलाड़ी अब पिच की तरफ जाते हुए, चांदनी और रेखा। अब देखते हैं कि ये किस तरह डटके मुकाबला करते हैं ठाकुर की टीम का, और ठाकुर के कप्तान देखते हैं बॉल किसके हाथ में थमाते हैं। इंतजार है सिर्फ ये कि बॉल किसके हाथ में जाती है, और ये बॉल थमा दी है कप्तान ने दीपक के हाथों, जो इस मैच के पहले ओवर का बॉल करा रहे हैं दीपक। और ये पहली बॉल, और ये बाउंड्री रेखा के पार जाती है चार रन के लिए, चार रन। और शेखचिल्ली की टीम में एक बहुत ही खुशी का माहौल, और ठाकुर के टीम में मायूसी। और ये दूसरी बॉल,
रोक दी गई, कोई रन नहीं। और ये तीसरी बॉल विकेट कीपर के हाथों में, वाइट बॉल, वाइट वाइट का इशारा करते हुए एम्पायर। और अब देखते हैं कि बॉलर कितनी चालाकी से बॉल कराता है और इस बॉल में कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती है। और ये पहला झटका विकेट गिरते हुए, एक ठाकुर की टीम में खुशी का माहौल। और इंडिया की तरफ से गिराज चांदनी का विकेट, और दूसरे खिलाड़ी लाज बैटिंग करने के लिए बैटिंग पिच पर। अब देखते हैं कि अगली बॉल में क्या होता है। अब देखिए, अब ये पहली बॉल और ये सीधी सीमा रेखा के बाहर, चार रन के लिए, चार रन। और लाज के खाते में चार रन का स्कोर जुड़ते हुए, और ठाकुर के चेहरे पर मायूसी। उधर अगली बॉल खेलने के लिए फिर लाज तैयार, और ये जीवन दान मिलता हुआ लाज को। उधर मायूसी ठाकुर के खेमे में, उधर शेख चिल्ली के खेमे में खुशी का माहौल। और अगली बॉल खेलने के लिए फिर तैयार लाज, और ये बॉल जब तक खिलाड़ी के हाथों में जाती है, जब तक दौड़कर लाज ने एक रन पूरा किया, फिर ये नई बॉल खेलने के लिए तैयार। और बॉल सीमा रेखा, और ये सीमा रेखा पर हुआ कैच, इंडिया की टीम को दूसरा झटका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण झटका। इंडिया की टीम में मायूसी, क्योंकि 201 रन का पीछा करते हुए बड़ी मुश्किलें। अब देखते हैं कि आगे खिलाड़ी क्या कर पाते हैं। और ये सीधी बॉल विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं मिलता हुआ। अब देखिए आगे अगली बॉल, और ये बॉल सीधी बाउंड्री लाइन के पार, चार रन के लिए, चार रन। शेख चिल्ली के खेमे में उत्साह, और ठाकुर के चेहरे पर शिकन। उधर ग्राउंड में बॉल के पीछे खिलाड़ी भागते हुए, और उधर बैटमैनों ने किए दो रन पूरे। और ये फिर अगली बॉल खेलते हुए टच किया बॉल को, और भागकर एक रन पूरा किया। और देखते हैं अगली बॉल पर क्या होता है। और ये बॉल ला 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 ला, और ये आउट है, आउट। बड़े दुख की बात, 8 ओवर में 45 रन 3 विकेट, बड़ी विकेट घड़ी, और शेख चिल्ली की टीम के लिए बहुत ही कठिन काम। क्योंकि 12 ओवर में 157 रन बाकी, जिनका पीछा करना बड़ा ही मुश्किल। और ये इंडिया खेलती हुई बॉल को, और ये विकेट कीपर के हाथों में सीधे बॉल। अब देखते हैं इंडिया क्या कर पाती है इस टीम के लिए, इस अपने बाप की लाज बचा सकती है या नहीं बचा पाती है। अब देखते हैं आगे मैच में, और ये कप्तान की बॉल पर सीमा रेखा से चार रन के पार जाती हुई बॉल, सीधे चार रन इंडिया के खाते में, चार रन जुड़ते हुए छक्का। जैसा कि हमको लग रहा था चार रन है, लेकिन वो छक्के के रूप में। और ये बॉल को टिक, और फिर चार रन के लिए। और जैसे ही बॉल को टच किया बैट ने, वो बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए। उधर दोनों कप्तान पूरे संघर्ष करते हुए, और देखते हैं उधर फिर बॉल को टच किया, भाग दौड़ कर एक रन पूरा किया, और जैसे ही बॉलिंग की, और ये लगी इंडिया के सर में बॉल, बहुत बड़ा झटका। और अभी भी 8 ओवर में 112 रन की जरूरत, और ये इंडिया को लगा बहुत तगड़ा झटका। इंडिया को चोट लगी, उधर शेख चिल्ली पिच पर नाम रोशन करेंगे अपनी बेटी इंडिया को समझाते हुए, दिलासा देते हुए, मेरी हार ही नहीं सकती मुझे पता है। और उधर एम्पायर आते हैं, एम्पायर ने समझाया इंडिया को, और देखते हैं मैच की देर में चालू होने वाला है। पूरी जिंदगी भर के लिए गांव की गुलाम बना चिल्ली, तो तुम्हें अपनी बेटी इंडिया का हौसला बांधते हुए, और उसमें नया जोश भरते हुए ग्राउंड से बाहर जाते हुए शेख चिल्ली। फिर बैटिंग के लिए इंडिया तैयार। अब देखते हैं इंडिया क्या गुल खिलाती है। 8 ओवर में अभी 112 रन बाकी, जो इंडिया की टीम के लिए बहुत ही मुश्किल। और ये नई बॉल इंडिया ने मारा, ये बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए छक्का। अब देखते हैं कि रनों की तादाद बढ़ते हुए, और एक ठाकुर के खेमे में उदासी का माहौल, उधर शेख चिल्ली के खेमे में खुशी का माहौल। और ये नई बॉल फिर इंडिया के लिए, और ये फिर बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रन के लिए, ये चौका, चौका।
अब कुछ आस लगती है कि रनों का पीछा सही ढंग से किया जा रहा है। और ये फिर कैच होते हुए दुर्भाग्य ठाकुर की टीम का, और ये बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन, फिर चौका, रनों की बरसात, चौके छक्कों की बरसात। इंडिया की टीम रनों का पीछा बखूबी करते हुए, और ये बॉल, और ये ठाकुर की टीम ने मैच छोड़ा है या कैच छोड़ा है, क्योंकि इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण कैच जो ठाकुर की टीम के हाथों से छूटा और चार रन के लिए गया। मुझे लगता है कि इसमें ठाकुर की टीम बड़ी ही मुश्किलों की घड़ी में इस टाइम, और बखूबी इंडिया की टीम रनों का पीछा करते हुए, जैसा कि हम देख रहे हैं टीम मैच कभी इंडिया की तरफ, कभी ठाकुर की तरफ, कभी शेख चिल्ली की तरफ मैच पलटा खाते हुए, और ये मैच फिर इंडिया के खाते में आते हुए, जैसा, और ये बॉल को रोक लिया गया, कोई रन नहीं, और ये इंडिया ने फिर भर के मारा बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर छह रन के लिए, छक्का, शाबाश बेटा शाबाश, और शेख चिल्ली के खेमे में खुशहाली, तालियों की गड़गड़ाहट, और ये फिर बॉल बाउंड्री लाइन के पार जाती है चार रन के लिए, चार रन, चार रन। ठाकुर के होश परास्त, ठाकुर का चेहरा देखने लायक, और चार नहीं छह रन के लिए, छह रन, छह रन, और इंडिया का अपना पर्सनल स्कोर 75 रन के पार, और ये फिर छह रन के लिए छक्का, इसके साथ स्कोर हुआ 81 रन, और ये फिर तीसरी बॉल पर फिर छक्का जाते हुए, और ये इंडिया के नाम हैट्रिक छक्कों की, ये छक्के की हैट्रिक इंडिया के नाम इस मैच में। देखते हैं कि मैच कुछ भी हो लेकिन बड़ा ही रोमांचक मैच। उधर शेख चिल्ली के खेमे में खुशहाली, और इंडिया फिर बॉल को पुश करके भागती हुई एक रन के लिए, और उसने भाग दौड़ कर ये रन किया पूरा। इस रन के स्कोर के साथ हुए उसके पर्सनल 97 रन, और ये खिलाड़ी अपनी जान पर खेलते हुए खुद घायल, लेकिन विकेट को नहीं जाने दिया, और ये इंडिया की टीम के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात, खुद घायल लेकिन विकेट बचा, और इंडिया की टीम उधर शेख चिल्ली की टीम में बहुत ही खुशहाली, और खिलाड़ी को झाड़ते हुए, साफ करते हुए, खिलाड़ी को ग्राउंड से बाहर ले जाते हुए, और देखते हैं इस खिलाड़ी के दूसरा खिलाड़ी कौन आएगा। और खिलाड़ी बाहर जाते हुए, अगली खिलाड़ी चंचल भारती, और लास्ट ओवर की पहली बॉल खाली, और ये 5 बॉल में 15 रनों की जरूरत, जीत के लिए 15 रनों की जरूरत। दिल थाम के बैठिए, इस मैच को अब कमजोर दिल के लोग ना देखें, क्योंकि अब मैच में क्या मोड़ आने वाला है बाप। और ये खिलाड़ी ने बॉल को खेला और एक रन दौड़कर पूरा किया दूसरे रन के लिए भागते हुए, और खिलाड़ी रन बनाने के लिए बहुत ही जिद्दोजहद कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या, और ये तीसरे रन बनाने के लिए खिलाड़ी आगे जैसे बढ़ा, और पीछे से रन आउट। इंडिया की टीम को एक और तकड़ा झटका। अब देखते हैं, फिर ठाकुर के पाले में जाते हैं, ठाकुर के समर्थक उत्साह के साथ उछलते हुए, उधर इंडिया का साथ एक एक कर कर छोड़कर जाते हुए सारे खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी इंडिया के साथ नहीं टिक पा रहा है दूसरे छोर से, एक छोर को संभाले हुए इंडिया, लेकिन दूसरे छोर पर फटाफट फटाफट विकेट गिर रहे हैं। अब देखते हैं कि अगला खिलाड़ी कौन आता है और वो इंडिया का कितना साथ दे पाता है। अब हम देखते हैं कि इंडिया अपने बाप की लाज बचा पाएगी, या फिर ठाकुर की गुलामी पूरे गांव को करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं खेले, ओहो, ये गांव की लाज बचाने के लिए रुखसाना खुद फील्ड में, क्योंकि एक खिलाड़ी चोटिल हो चुका है, और उस खिलाड़ी की जगह रुखसाना खुद अपनी बेटी का साथ देने के लिए मैदान में उतरी है, और देखते हैं कि वो अपनी बेटी का कितना साथ दे पाती है, और शेख चिल्ली को ठाकुर के चंगुल से बचा पाती है या नहीं बचा पाती है, ये बाकी देखने के लिए आगे आप मैच देखते रहिए। और ये बैटिंग चालू, और लास्ट ओवर की 4 बॉल बाकी बची हैं, जिसमें 13 रन बनाने की जरूरत। अब देखते हैं कि इंडिया 13 रन पूरे कर पाती है या नहीं। जैसा कि हम मैच में देख रहे हैं, इंडिया पर पूरा भरोसा है, और वो 4 बॉल अगर खुद खेलती है तो मैच जिता पाएगी। अगर उसने कोई भी बॉल खाली की तो मैच हाथ से निकल सकता है। 12 बॉल को घूम कर फिर बाउंड्री लाइन के पार जाते हुए बॉल को बाउंड्री लाइन पर रोक लिया गया, और ये दौड़कर 2 रन पूरे किए इंडिया ने, और इंडिया की टीम के लिए 2 रन बहुत ही महत्वपूर्ण। अब 3 बॉल में 11 रन की जरूरत। ठाकुर की सांस रुकी गले के अंदर, और ठाकुर बेचैन अपनी कुर्सी से खड़े हो चुके हैं ठाकुर, और हिसाब लगा रहे हैं अपनी उंगलियों पर कितने रन कितनी बॉल में बाकी हैं। और हम देखते हैं कि इंडिया बैटिंग लेते यार, उधर बॉलर बॉलिंग करते हुए, और ये इंडिया ने मारा, और ये बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल जाती हुई 6 रन के लिए, 6 रन।
मैच को जीतने के लिए दो बॉल में 5 रन। अब देखते हैं उधर से बॉलिंग कराते हुए कप्तान, और उधर इंडिया ने उसको बैट के सहारे मारने की कोशिश, और जैसे ही बैट घुमाया ओफ, और ये बॉल खाली। अब एक बॉल में 5 रन। खेल बड़ा मुश्किल, देखते हैं कि इंडिया इस मैच को जिता पाती है या नहीं। और ये बॉल करते हुए कप्तान दूसरे कप्तान को, और कप्तान ने फिर बॉल को घुमाकर मारा और बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रन के लिए, और ये लगा जीत का छक्का। ठाकुर के होश हुए परास्त और ठाकुर गस खाकर कुर्सी पर गिर चुके हैं। शेख चिल्ली की टीम को मिली जीत। ये बचा बेटियों का मान और सम्मान, ये होती हैं देश की बेटियां। देखा बेटियों ने कैसा नीचा दिखाया ठाकुर को, और देश का मान और सम्मान और गौरव कितना बढ़ा दिया है। इसलिए भारत के लोग बेटियों पर नाच करते हैं, और इस शेख चिल्ली की बेटी इंडिया ने ठाकुर के घमंड को किया चकनाचूर। और अब सारे खिलाड़ी अपनी अपनी टीम के साथ ठाकुर के सामने टेंट में पहुंच चुके हैं। उधर शेख चिल्ली अपनी बेटियों की टीम के साथ ठाकुर के सामने टेंट पहुंच चुके हैं, और वो ठाकुर से किस तरह की बातें कर रहे हैं, और आगे चल के आप खुद देख लीजिए। भवानी सिंह, ये वही लड़की है ना जिसको तुम कहते थे कौन सा इंडिया का वर्ल्ड कप लाएगी? आज तुम्हारे अहंकार को चकनाचूर कर दिया ना बेटियों ने। तुम समझते ना बेटी कमजोर होती है? बेटी कमजोर नहीं है भवानी सिंह, आज मैं समझ चुका हूँ कि बेटी ही बेटे हैं। मैं इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। ठाकुर साहब, वो हमारी गांव की जमीन के कागज, जितने भी गरीब आदमी हैं, सबका कर्ज माफ, और आपको माफी मांगने वाली बात याद है ना? सबके सामने माफी मांग के दिखाएं। हाँ, इन सबके कागज मेरी तिजोरी में रखे हैं, और शर्मिंदा मत करो, मैं इनका एक एक कागज सबका वापस कर दूंगा। अब मैं इस गांव में कभी लौट कर भी नहीं। और सबको ये बताएं कि कभी बेटी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, बेटी को छोटा नहीं समझना चाहिए, बेटी इंडिया की आन बान शान है। भवानी सिंह, गांव वालों के सामने आप अपनी हार स्वीकार करें, और वो कब? हमारे गांव की बेटियों को अपने हाथ से प्रदान करें। मैं इन बच्चों के लिए आशीर्वाद भी लाया हूं, और मेरी दुआएं भी हैं इनके साथ। लो भाई देना जरा। ले बेटा, ये तेरी मेहनत का फल है, तूने साबित कर दिया कि बेटी बेटों से कम नहीं। ठीक है, आज से ये सब मेरे भाई हैं, अब हम साथ रहेंगे। अबू, अम्मी, आप खुश हो ना? हाँ बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये आप सभी का आशीर्वाद है। ये तुम सब बच्चों की मेहनत का फल है बेटा, अपना खुशी मनाओ। अच्छा तो हम सब फिर मिलेंगे। ओ बेटी बचाओ रे, बेटी पढ़ाओ रे, अपने देश का मान बढ़ाओ रे। बेटी बचाओ रे, बेटी पढ़ाओ रे, अपने देश का मान बढ़ाओ रे। अपने देश का मान बढ़ाओ रे। जिस घर में बेटी आवे मानो ये शान हमारी, बेटी हो घर में तो ये मानो है आन हमारी।
लगाओ रे अपने तहसील का गौरव बढ़ाओ रे अपने तहसील का मान बढ़ाओ रे। बेटी बचाओ रे बेटी पढ़ाओ रे।